All of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkar. आप सब कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं हरवित जी? ओके ठीक है, अब हम सबसे अच्छा पेड़ पाठ पढ़ रहे थे तो उसका सबसे पहला वाला प्रश्न, किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 126 खोल लीजिए। मैम मुझे आपसे एक चीज पूछना है। हाँ पूछिए। जो अभी एंड वाले एग्जाम में होंगे ना, उसमें हिंदी का पेपर होएगा ना, वो कौन सी डेट पे? एनुअल एग्जाम अभी कहाँ बताया गया आपको एनुअल एग्जाम होंगे? तो मैम अब हमारा पेपर होएगा, उसकी डेट कौन सी है? देखिए 20 तारीख से 20 तारीख तक आपका एग्जाम कंटिन्यूस चलेगा, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको बताया गया है। एक ग्रामर का दिया जाएगा, एक लिसनिंग टेस्ट होगा, स्पीकिंग टेस्ट होगा, आपको एक स्वरचित कविता सुनानी है। पिछली बार आपने किसके ऊपर बोला था, कोरोना काल क्या खोया क्या पाया इस पर बोला था। इस बार आपको कविता, सब बच्चों को कविता सुनानी है, एक अपनी स्वरचित। अगर आप अपने स्वरचित कविता सुनाएंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, और कहीं से गूगल से देख करके आप बोलेंगे सुनाएंगे कविता तो उसके नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब स्वरचित के नंबर नहीं मिलेंगे। साईराम करने की अपेक्षा जो टीचर बोल रही है उसको सुनिए बेटा, समझ आ गया? एक आपको क्या दिया जाएगा, ग्रामर। ग्रामर गूगल फॉर्म के थ्रू दिया जाएगा। आपने सिलेबस देखा होगा, सब बच्चों ने देखा था क्या? यस मैम। देखा सिलेबस, हाथ ऊपर कीजिए। यस मैम। देखिए ये तो देखा है, आपने नहीं देखा क्या? देखिए एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको भी बताती हूँ सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस में आपको कौन कौन से पाठ आ रहे हैं, 9 से लेकर के 12 तक, ठीक है। व्याकरण में क्या आ रहा है, विलोम, लिंग, मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, समश्रुति, अतिरिक्त शब्द, बोलियां, कारक, विराम चिन्ह व पुनरुक्त शब्द, ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं। और इसमें आपको क्या दिया जाएगा, अब एमसीक्यू आएगा गूगल फॉर्म के थ्रू। एमसीक्यू में मैं आपको व्याकरण दूंगी, ठीक है, श्रवण कौशल, लिसनिंग टेस्ट होगा आपका वो भी गूगल फॉर्म के थ्रू, वाचन कौशल, स्पीकिंग टेस्ट में आपको कविता सुनानी पड़ेगी। अगर आप स्वरचित सुनाते हैं तो आपके नंबर, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, स्वरचित नहीं सुनाते हैं तो उसके नंबर काट लिए जाएंगे, समझ आ गया? आपकी कोई भी अच्छी सी कविता सुनाएंगे जिसमें कुछ मूल्य निकल रहा हो, कुछ वैल्यू निकल रही हो, ऐसी कोई भी कविता नहीं सुनाने, कुछ भी कविता हो। गर्वित जी, साईराम, गर्वित जी मैं आपको ही बता रही हूँ, आप ये साईराम साईराम करके क्यों टाइप कर रहे हैं बेटा? यस मैम, मैं सुन रहा हूँ। तो आप सुन ही रहे हैं, आपका ध्यान तो टाइपिंग में है। नो मैम। तो आपको अभी साईराम करके टाइप करने की क्या जरूरत थी? यस मैम, मैं करूंगा। समझ आ गया सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट है तो अभी भी कोई पूछ सकता है। मैम गर्वित जी को डाउट है। हाँ बोलिए गर्वित जी, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे गर्वित जी, जो इतनी देर से मैं समझा रही थी तो आपका ध्यान टाइपिंग में था, साइरम साइरम करने में, लिखने में। मैम श्रुति क्या होती है? समश्रुति मैंने आपको करवाया था, जैसे
दिन और दिन याद है आपको? यस। कौन से पाठ में करवाया था? आप क्लास में रोज प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए आपके साथ ये दिक्कत है। अगर आप रोज प्रेजेंट रहते तो आपको पता चलता, और अभी परेशान नहीं हुई। जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। देखिए ये कौन से पार्ट में था, मैं आपको बता दे रही हूँ। किताब खोलते रहिए आप भी मेरे साथ। ये पार्ट है 83, पेज नंबर 83। शौक और शोक। शौक मतलब रुचि, शोक मतलब दुखी होना, बुरी घटना होने पर। राख और रख। रख मतलब रखना, राख मतलब जलने के बाद जो बच जाता है, चीज बनती है। पेज नंबर 83 पर है, देखिए। गर्वित जी yes, दिख गया ना, ये मैंने आपको करवाया है। दिन और दीन, मेला और मैला करवाया yes, है। मैम दिख गया। हाँ फिर यही है, ठीक है, समझ आ गया सबको। और किसी को कोई डाउट है बेटा? चलिए किताब खोल लीजिए। अरे किसी पर सुनानी है? किसी पर भी सुनानी है, किसी चीज पर भी ले सकते हैं आप। पेड़ ले सकते हैं आप, किसी के जीवन पे ले सकते हैं आप, कुछ जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। ऐसी को ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आपको इसी पे सुनाना है, लेकिन आपकी कविता स्वरचित होगी तो उसके नंबर ज्यादा है, स्वरचित नहीं होगी तो नंबर काट लिए जाएंगे बस। और सब बच्चों को सुनाना है। अगली कक्षा से मैं आप लोगों की कविता सुनना शुरू करूंगी। ये जिन बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं करके रखा है, गलत बात है। दिव्यांश आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, न कैमरा ऑन रहता है न ध्यान दे रहे हैं। ऋषिका, सम्राट, मास, सिद्धार्थ ने नीलेश राठवा, माधव शर्मा जी का तो अभी बोलूंगी तब कैमरा ऑन होगा, उससे पहले कैमरा ऑफ रहता है, क्योंकि मुझे आप तब दिखेंगे ना कि आप लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसे तो मुझे दिखेंगे नहीं आप। अंश, मीना, अथर, वर्मा, आयुषी, कैमरा ऑफ कर दिया है। चलिए अब किताब खोलिए, पहला प्रश्न कॉपी में लिखिए सब बच्चे। पेज नंबर 126 खोल लीजिए, 126। मैम खोल लिया। बेटा बीच में बोलिएगा नहीं आप लोग प्लीज, ठीक है, बीच में मत बोलिए। पेज नंबर 126 खोल लीजिए। आप मुझे दिख रहे हैं, हाँ ऐसे कर लिया कीजिए, वेरी गुड। अब पहला प्रश्न पढ़ेंगे, जिसका कैमरा ऑन होगा वही पढ़ पाएगा, अन्यथा मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। सिद्धार्थ अनिल पहला प्रश्न पढ़िए। सिद्धार्थ अनिल किताब नहीं है क्या आपके पास बेटा? यस मैम है। हाँ तो पढ़िए, जरा सोचो तो। जरा सोचो तो। तीनों भाई किस्त मौसम में घर की तलाश में निकले। वेरी गुड। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले, ये प्रश्न सब लिखेंगे। अथर्व वर्मा आप मुझे लिखते हुए प्रश्न नहीं दिख रहे हैं, आपने कॉपी में लिख लिया प्रश्न? यस मैम। दिखाइए।
कौन बताएगा? तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? हाँ स्नेहल बताइए बेटा। गर्मी के मौसम में सीजन मैम रेनी सीजन में। कौन से सीजन में? और कौन बताएगा? मैम ये भी मैंने जरा सोचो बताए मैम। बोलो युवराज। गर्मी का मौसम में। हाँ तीनों भाई गर्मी के मौसम में निकले क्योंकि उस मौसम में कौन सा फल आता है? आम। मैम आंगा। हाँ अब उत्तर लिखिए सारे बच्चे, उत्तर लिखिए घर बच्चे, उत्तर बताइए मुझे। मैं आपको देख रही हूँ ना, आपने प्रश्न लिखा है ना कुछ? प्रश्न दिखाइए, आपने प्रश्न लिखा है क्या कॉपी में? दिखाइए मैं लिख रहा हूँ। आपने लिखना ही शुरू नहीं किया, आपने कॉपी ही नहीं खोला है बेटा, गलत बात गर्वित। फिर आप मुझसे डाउट पूछेंगे क्या मतलब है? अब आप पेंसिल शार्प करने बैठे, आप पेंसिल अब शार्प कर रहे हैं? माधव दिखाइए, आपने प्रश्न लिख लिया? हाँ तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले, उसका उत्तर बताइए। उत्तर कैसे लिखेंगे मैम? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे कौन चैट बॉक्स में लिख करके बताएगा कि गर्मी कैसे लिखा जाता है? किसी को हिंदी लिखने आता है? यस मैम दिशा लिखे। मैम अटल लिखिए, लिखिए दिशा, गर्मी लिखिए, उत्तर लिखिए चैट बॉक्स में। मैं देख रही हूँ कौन लिख पा रहा है और कौन फिर कॉपी में भी लिखना है। लिखिए जरा चैट बॉक्स में पूरा उत्तर लिखिए। सब बहुत सारे बच्चों को हिंदी टाइपिंग आती है। आपने कैमरा बंद कर रखा और माइक को खोल रखा है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, आपके घर का मैंने कॉपी भी खोल ली। गर्वित जी, गर्वित मैम दिशाली चैट बॉक्स में लिख दिया गर्वित। आप कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को अपना माइक बंद कर रखा कीजिए। आप बात जो पापा जी से कर रहे थे आपकी आवाज पूरी सुनाई दे रही थी और रिकॉर्डिंग में चली गई है। प्लीज माइक बंद करके रखा कीजिए, कैमरा ऑन करके रखिए। चलिए प्रश्न पूरा बेटा जी, गर्मी गर्मी नीति पूरा उत्तर लिखिए। वेरी गुड, कविश ने भी लिखा, वेरी गुड। दिशा को, ईलेश को और कविश को हिंदी लिखना आता है, वेरी गुड। चलिए पूरा उत्तर लिखिए, पूरा उत्तर कौन लिख के बताएगा? मैं दिशा। हाँ लिखिए दिशा, जल्दी लिखिए। लिखिए जल्दी, और जिन्होंने लिख लिया है वो मेरा हो गया, वो अपनी कॉपी में दिखाएंगे मुझे। मैम युवराज कंप्लीट। मैम मानसिस कंप्लीट। शो मी योर कॉपी, शो मी योर कॉपी, कॉपी दिखाइए मुझे। ये कौन है आयुषी? पीछे का बैकग्राउंड चेंज कीजिए, आपका कॉपी नहीं दिख रही है, बैकग्राउंड चेंज कीजिए। मानसी के, मानसी थोड़ा सा पीछे कीजिए कॉपी बेटा। हाँ चलिए देखिए, शानवी, सायराम, वेरी गुड। आप इतना लेट क्यों ज्वाइन किए हैं क्लास? निशाने लिख दिया चैट। देखो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले, वेरी गुड दिशा। जिसको नहीं समझ, और युवराज
राइटिंग सुधारी, आपकी राइटिंग बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। मैम सिद्धार्थ कंप्लीटेड। मेरे सिद्धार्थ। मैम सिद्धार्थ। दिव्यांश ने लिख लिया। हाँ तीनों भाई घर की तलाश में। ठीक है चलिए, अब प्रश्न नंबर दो लिखिए सारे बच्चे। जिसको नहीं उत्तर पता है वो देख लीजिए, यहाँ पर दिशा ने उत्तर लिखा है, बस यहाँ पर दिशा ने पूर्ण विराम नहीं लगाया, पूर्ण विराम लगाना है, बाकी उसने उत्तर सही लिखा है। तीनों भाई गर्मी की, तीनों भाई घर की तलाश में नहीं, किस मौसम में पूछा गया है स्नेहल? स्नेहल प्रश्न है बेटा, किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। ठीक है बेटा, स्नेहल समझ आ गया? सो वेरी गुड। स्नेहल को भी हिंदी की टाइपिंग आती है, देखिए कितनी अच्छी लड़की है, इन्होंने ये टाइपिंग सीख लिया। वेरी गुड। अब हाँ, अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न सारे बच्चे लिखे। दूसरा प्रश्न कौन पढ़ेगा? देवादित्य सिंह चौहान। देवादित्य सिंह चौहान कैमरा इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आप मुझे दिखाई दें। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैमरे को इस तरह से एडजस्ट कीजिए। पढ़िए। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? तुम है प्रश्न पढ़िए जल्दी। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला बताइए। ये गर्मी का मौसम। युवराज, युवराज प्लीज आपको हाथ ऊपर करना है। दीदी माइक कौन है आपका? कौन बताएगा तुम्हें कैसे पता चला? हाथ ऊपर कीजिए। चलिए विधि बताएंगे, विधि बताइए। आवाज नहीं आ रही है विधि आपकी। आवाज नहीं आ रही है साफ जोर से। और कोई इस पाठ में आम की चर्चा की गई है। हाँ इस पाठ में आम की चर्चा की गई है। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में ही आता है। ठीक है, तीनों भाई क्या कर रहे थे? आम तोड़कर खा रहे थे और आम का फल किस मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में। चल युवराज बताइए। तेज धूप थी और आम के फल लग रहे थे पेड़ पे। तेज धूप थी और आम के फल लग रहे थे। म्यूट अपने आप म्यूट कर लीजिए। मैम मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे उल्टी। हाँ म्यूट कर लीजिए। अंश मीना इसका उत्तर बताइए, क्या लिखेंगे? मैम कौन से का हम कौन सा प्रश्न बेटा जी, हम कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं? पूछ रहे हमें उस टाइम पे आप बगे थे इसलिए पता चला। हाँ क्योंकि तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में आता है, इसीलिए हमें पता चला।
उत्तर है तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में आता है। ये लिखा है ना पेड़ के पके, पेज नंबर 122 खोलिए। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो क्या लिखेंगे उत्तर तीनों भाई? युवराज जी प्लीज बातें नहीं कीजिए, उत्तर लिखिए। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में ही आता है। कौन लिख करके बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? मैम दिशा। दिशा लिखिए, स्नेहल लिखिए, और किसको आता है लिखने के लिए? अर्जुन। अर्जुन को भी लिखने आता है। अर्जुन आप भी लिखिए। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में ही आता है। तीनों भाई, ये सम्राट कैमरा ऑन नहीं है, बहुत गलत बात है। अर्जुन का भी कैमरा ऑफ हो गया है। विधि आप उत्तर लिख रही हैं, मुझे तो आप घूमती हुई नजर आ रही हैं घर पे। विधि जी आप तो घूम रही हैं घर पे, छत पर आ गई हैं, लिख नहीं रही हैं आप। किसने लिख लिया चैट बॉक्स में? तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में ही आता है। किसने किसने लिख लिया? अर्जुन आप लिख रहे हैं? अर्जुन, विधि बिल्कुल नहीं लिख रही है। विधि बिल्कुल नहीं लिख रही है, मुझे क्लियर दिख रहा है, विधि कुछ नहीं लिख रही है। मैं विधि नंबर नहीं दूंगी आपको। मुझे नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो अच्छे से अब लिख लीजिए। दिशा, मैम देवांशी अस्तिन लिख। दिशा मैम सिद्धार्थ का डन। आप लिख रही हैं क्या चैट बॉक्स में? यस मैम। हाँ लिखिए। मैम सिद्धार्थ का हो गया। ठीक है सिद्धार्थ। मैम मिलेश का भी हो गया। लिख लिया। मैम एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मैम तीनों भाई ने आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ के जो मीठा मीठा आम आम का रस चूस चूस के खाने लगे। ओके मैम। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर मीठा मीठा रस चूसने लगे और यह फल कब आता है, कौन से मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में। आप प्रश्न नंबर तीन लिख लीजिए जब तक दिशा इसको लिख रही है। प्रश्न नंबर तीन कौन पढ़ेगा? मैम देवांशी पढ़िए। देवांशी पढ़िए। ओके मैम। कौन सा महीना
होगा, कौन सा महीना होगा बताइए, कौन सा महीना होगा? मैम गर्वित जैन बताएं। बताइए गर्वित जी। मैम गर्मियों का महीना होगा। गर्मियों का महीना नहीं होता, महीना कौन सा होता है, कौन से महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी, जून, जुलाई। वेरी गुड, कौन सा महीना होगा? जून जुलाई। जून, जून जुलाई का महीना होगा। देखिए मैंने उत्तर भेज दिया है, जून जुलाई का महीना होगा। देखो दिशा ने दूसरे प्रश्न का उत्तर भेज दिया है, तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने लगे, यह फल गर्मी के मौसम में आता है। वेरी गुड दिशा, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने लगे और यह फल गर्मी के मौसम में आता है। और तीसरा का उत्तर है जून जुलाई का महीना होगा। सम्राट, सम्राट देखिए, सम्राट आप कैमरा ऑन करके तो बैठा कीजिए बेटा। ऋषिका, ऋषिका शैलेंद्र सिंह भुरिया, माधव, मास, इलेश, कैमरा ऑन नहीं है। सम्राट चौथा प्रश्न पढ़िए। कैमरा इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आप मुझे दिखें बेटा, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। प्रश्न नंबर चार पढ़िए। हाँ, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? हाँ, अब एक बार और कौन इस प्रश्न को पढ़ेगा? अथर वर्मा पढ़िए, प्रश्न नंबर चार पढ़िए। घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहाँ रहते होंगे? ठीक है, प्रश्न क्या है? घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, बताइए कहाँ रहते होंगे? ये तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, कहाँ रहते होंगे? मैम एक ही घर में रहते होंगे। उनके पास घर नहीं था तो कहाँ रहते होंगे? घर की तलाश में, घर की तलाश में तो निकले थे। मैं झोपड़ी में। और मैम पहले घर की तलाश में, क्योंकि वो एक अलग अलग घर बनाना चाहते थे। और गुफाओं में, गुफाओं में। और कोई और बता। मैम गांव में, मैम गांव में, गांव में, गांव में कहां पर? मैम किसी के घर पे, किसी और के घर पर रहते होंगे। हाँ ठीक है, ये तो सही है कि वो घर की तलाश में निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? वे किसी और के घर में रहते होंगे, तभी तो वे अपने घर की तलाश में निकले। और कहाँ रहते होंगे? जिनका घर नहीं होता वो कहाँ रहते हैं?
मैम सड़क पे हाँ तीनों भाई सड़क पर रहते होंगे और घर की तलाश पर निकलने से पहले वे सड़क पर रहते होंगे। ये जो भी बच्चा है ना मैम अंधेरों में भी रहते होंगे। मैम मंदिरों में भी रहते होंगे। मंदिर में रहते होंगे मंदिरों में नहीं मंदिर में रहते होंगे। हाँ कौन सा महीना का और उत्तर क्या होगा? किसका कौन सा महीना होगा? इसका मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, देखिए जून जुलाई का महीना होगा लिखा। आपके उत्तर से पहले मैंने लिखा है, देखिए देखिए आपको। यस मैम। ठीक है। घर की तलाश में निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? जितने बच्चों को लिखना आता है वो अपने अपने हिसाब से मंदिर में रहते होंगे, सड़क के किनारे रहते होंगे, जंगल में रहते होंगे, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। लिखिए जल्दी जल्दी। वे अपने पुराने मकान में रहते होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख रहे हैं उत्तर? इन चारों के उत्तर मुझे अभी सारे के सारे बच्चे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। इन चारों के उत्तर मैं देख रही हूँ कितने बच्चे नहीं लिख रहे हैं। शैलेंद्र सिंह भुरिया, विधि, सानवी, ऋषिका, स्नेहल, देवादित्य, अर्पित और मास। कैमरा ऑफ है। मैम हम पर्सनल पे कर सकते हैं क्योंकि मैम हमारी दीदी के फोन में हमारा ग्रुप नहीं बस कुछ नहीं भेजना आपको। हाँ अभी आप दिख रहे हैं मुझे। मैम मैंने पॉलिसी कैमरा ऑन कर रखा। ठीक है कोई बात नहीं, आप कैमरे की चिंता नहीं कीजिए। आप उत्तर लिख करके मुझे भेजिए क्लास ग्रुप में। सारे बच्चे क्लास ग्रुप में फटाफट उत्तर भेजेंगे। मैम हमारा ग्रुप हमारी दीदी के फोन में और वो अभी स्कूल गई हैं। कोई बात नहीं आप छोड़ दीजिए, बाकी बच्चे तो भेज आप पर्सनल भेज दीजिए मुझे, बाकी सब तो भेज दीजिए। ओके मैं पर्सनल पे भेजती हूँ। देखिए विधि का आ गया। तीनों भाई विधि गर्मी कैसे लिखा है आपने? विधि यस मैम। ये लेख सुधारिए। ओके मैम। सम्राट आप लिख रहे हैं कि नहीं? यस मैम मैं लिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आपके उत्तर अभी मुझे आ जाने चाहिए। विधि कैमरा ऑन कीजिए और इसको राइटिंग को सुधारिए, बहुत गंदा लिखा है आपने। घर की तलाश प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चार में यह लगभग नहीं, यह जून जुलाई का, यह जुलाई का महीना होगा। ठीक है दिशा ने सेंड कर दिया आपको पर्सनल पे। ठीक है कि नहीं आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है, अतः हमें अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम, अतः हमें पता चला कि यह गर्मी का मौसम है। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। विधि ये सही कीजिए सारा। ओके मैम। या खाना बदोशों की तरह रह कहीं था, खाना बदोशों की तरह भी लिख सकते हैं। मैम तुम आज कुछ पूछ सकते हैं? क्या पूछना है ये सम्राट? मैम व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पापा के फोन में है, पापा कॉलेज गए हैं। क्या फिर बोलूं बेटा मैं? मैं बाद में भेज सकता हूँ। अगर आप अभी भेज देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा, मैं आपकी आपको गलती बता पाऊंगी। आप बाद में भेजेंगे तो मैं आपको गलती नहीं बता पाऊंगी।
ठीक बेटा, जो बच्चे अभी तुरंत क्लास ग्रुप में भेज रहे हैं मैं उनका चेक भी कर रही हूँ। और ये आपको अब ऐसे ही करना है, अब आपको डेली डेली लिख करके भेजना है। ये कुशाग्र कुशाग्र चौथे प्रश्न का उत्तर, आप मंदिर में रहते होंगे, आधा लिखा है आपने, प्रश्न भी नहीं लिखा है। अच्छा प्रश्न लिखा घर की तलाश, हाँ उसका उत्तर पूरा लिखिए। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे मंदिर में रहते होंगे, पूरा लिखिए। जून जुलाई का महीना होगा, तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे। आम तो गर्मी के मौसम में ही आता है। निकले के बाद पूर्ण विराम लगाना है बेटा। यस मैम, पूर्ण विराम लगाना है। माधव okay. तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में, तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे। यह पल गर्मी के मौसम आता है, जून जून जुलाई का महीना। ये माधव कुशाग्र म्यूट कर लीजिए अपने आप को। माधव महीना, महीना में ह में कौन सी मात्रा आएगी? बड़े की चाहे कीजिए। मकने में रहते होंगे कि मकान में रहते होंगे? मकने लिखा आपने। तीनों भाई तलाश में, कौन सी तलाश में? तीनों भाई घर की तलाश पर निकलने से पहले पुराने मकान में रहते होंगे, नहीं होंगे क्या होता है, होंगे। आपने प्रश्न देखिए और बात उस प्रश्न नंबर चार को सही कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। यथार्थ जंगल, यथार्थ शिवहरे जंगल में ज पर बिंदी लगाना है, अपने ग पर बिंदी लगाया है। होंगे भी सही करना है। युवराज प्लीज पीडीएफ बना के ना भेजे बेटा, पीडीएफ खुलने में टाइम लगता है। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़ कर नहीं, तोड़ काड़ नहीं है, तोड़ कर मीठा मीठा नहीं, मीठा मीठा, म में बड़ी की मात्रा आएगी, रस चूसने लगे। जून जुलाई, जुलाई देखिए मैंने कैसे लिखा है, आप चैट बॉक्स में देखिए। देवांशी का आ गया प्लीज, देवांशी अर्जुन जिससे मैं बात कर रही हूँ उससे मुझे बात करने दीजिए। एक एक करके मैं देखूंगी और एक एक करके मैं बताऊंगी। युवराज, युवराज, युवराज जी है नहीं क्लास में, आयुषी का देख रही हूँ। गर्मी के मौसम में ही आत है नहीं आता है, जून जुलाई का महीना करके दलवेश में निकलने। आयुषी प्रश्न नंबर चार में निकलने, मंदिर, मंदिर नहीं होता, मंदिर होता है, मंदिर या गुफाओं या लिखो। मैम दिशा का चेक किया आपने? बेटा मैं एक साथ एक बच्चे का ही चेक कर पाऊंगी ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। क्लास में भी मैम एक बार में एक ही बच्चे का चेक कर पाती है। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश, तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे। और यहाँ ठीक है, जून जुलाई का महीना होगा, तीनों भाई सड़क पर रहते होंगे, ये जिसने भी लिखा पी हूँ प्रजापति, वेरी गुड, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। यस मैम। भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और ये फल गर्मी के जून जुलाई का महीना होगा, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कौन है मानसी, पहले वे लिख लीजिए चौथे प्रश्न में। इस घर की तलाश पर निकलने से पहले वे जंगल वे मंदिर में रहेंगे। अंश मीना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा,
मैम एक बार में एक ही बच्चे का उत्तर बता पाएंगी, सबका नहीं बता पाएंगी। अब इस पर्सनल वोट सब पे डालना है, ग्रुप में डालना है। यस मैम। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। निकले के बाद पूर्ण विराम मास। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे। यह फल गर्मी के मौसम में आता है, जून जुलाई का महीना होगा। तीनों भाई घर की तलाश में निकलने से पहले सड़क के किनारे रहते होंगे। मास लास्ट वाले में होंगे आएगा। गर्वित जी। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे। जून जुलाई का महीना, महीना का महीना सही कीजिए। गर्वित जी घर की तलाश में निकलने से पहले वह अपने पुराने घर में रहत होंगे नहीं है। घर की तलाश में निकलने से पहले वे अपने पुराने घर में रहते होंगे। इस तरह से पूरा वाक्य लिखना है, इसको सही कीजिए। यस मैम। अब किसका किसका चेक नहीं हुआ है, यथार्थ हो गया। मैम पर्सनल पर भेजना जी नहीं, क्लास ग्रुप में भेजना। देवांशी का। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तीनों भाई नहीं है, जो है क्या नाम है देवांशी। प्रश्न नंबर दो सही कीजिए, भाई कीजिए। आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और यह फल गर्मी के मौसम में ही आता है, जून जुलाई का महीना होगा। तीनों भाई अपने पुराने घर में रहते होंगे। बेटा आप खुद ही लिखा कीजिए, आराम से लिखिए, कोई परेशानी नहीं है। युवराज आपने आपने बहुत मिस्टेक किया और उसको करेक्ट कीजिए। कुशाग्रजन। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में। तीनों भाई आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रहे थे और अब ठीक है, जून जुलाई का महीना होगा। घर की तलाश में निकलने से पहले वे, ये कुशाग्र को तो मैंने पहले ही बता दिया था। दिशा ने कहा, अच्छा दिशा ने पर्सनल पे भेजा, ठीक है दिशा का देखती हूँ। तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में। तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठ कर आम खाने लगे। यह फल गर्मी के मौसम में मिलता है, जून जुलाई का महीना। दिशा महीना सही कीजिए। दिशा महीना सही कर लिया। घर की तलाश में निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, पूरा वाक्य निकल लिखिए। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे मंदिर में रहते होंगे, इस तरह से पूरा सही कीजिए। पूरा फोटो में सही से नहीं आ पाया। नहीं आपने प्रश्न आपने वहां से लिखा है, आपने प्रश्न उत्तर गलत लिखा। देखिए निकलने से पहले वे मंदिर में रहते होंगे, आपको घर की तलाश में पूरा लिखना पड़ेगा। ओके मैम। बेटा ये कौन है, अंश मीना। अंश मीना पूरा वाक्य लिखे, घर की तलाश पर निकलने से देवांशी घर की तलाश में निकलने से पहले वे मंदिर नहीं मंदिर में या सड़क पर रहते होंगे, इस तरह से लिखना है। ठीक है ये समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, ये वाला करेंगे, कैसे चुनोगे, कैसे चुनोगे। मैम कविश ने भी भेज दिया। हाँ मैं चेक कर रही हूँ। मैम सिद्धार्थ ने भी भेज दिया। सिद्धार्थ का सही है। दिव्यांश का भेज दिया। इस मौसम में नहीं, इस पाठ में आम की चर्चा की गई है। आम गर्मी के मौसम में आता है, ठीक है। सिद्धार्थ अनिल जुलाई का महीना होगा क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी थी। वेरी गुड, ठीक है। घर की तलाश पर निकलने से पहले भी गुफाओं में रहते होंगे, वेरी गुड, ठीक है समझ में आ गया। कविश ये सिद्धार्थ अनिल थोड़ा सा करेक्शन। गर्मी के मौसम में तीनों भाई घर की तलाश में निकले क्योंकि, क्योंकि से उत्तर कभी शुरू नहीं होता है। कविश और आपका पिक्चर भी क्लियर नहीं है, मंदिर में या धर्मशाला में या जंगल में, इस तरह से या करके लिखना होगा, ठीक है या करके लिखना होगा, कोई दो ऑप्शन दे। अंश मीना मंदिर को सही कीजिए। मैम कॉमा लगाया कविश ने। या लिखना है और या ओके देखिए इस तरह से।
दो ही ऑप्शन दीजिए बस, ठीक है। अब आगे बढ़ें। इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? मेहमान को खाना खिलाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल करोगे? मैम केले। केले के पत्ता। हाँ, अब चैट बॉक्स में लिखिए केले का पत्ता, कौन लिख के बताएगा फटाफट? मैम कॉपी में लिखना है, किताब में लिखना है। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए जिन बच्चों को हिंदी लिखना आता वो चैट बॉक्स में लिखिए केले के पत्ते। मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। एक आध बच्चे फटाफट लिखिए। कौन लिख रहा है चैट बॉक्स में? देखिए मैंने लिखा, हाँ दिशा ने लिख दिया, वेरी गुड, केले के पत्ते मैंने और दिशा ने भेजा। फिर बारिश में भीगते समय छाते की तरह, छाते की तरह किसका पत्ते का, किस पत्ते का इस्तेमाल होता है? दिव्यांश बताइए। शिवम बताइए, केले के पत्ते। शिवम, हमेशा आपको नहीं बताना है। चलिए केले के पत्ते। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते, सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का, रंग बनाने के लिए पेसू के। मैम बारिश से भीगते समय छाते की तरफ, मैम क्या है उसका? आप बताइए, आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हम्म, कौन सा है बताइए जल्दी। बारिश से भीगते समय केले के पत्ते। हाँ, आपने पाठ पढ़ा नहीं, इसका मतलब? मैम पढ़ा था। तो पढ़ा था तो उसमें तो लिखा ही है ना, पाठ में तो बताया गया है, बताया गया है ना कि नहीं पाठ में? हाँ, रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का, गर्मी से परेशान होने के होकर पंखा करने के लिए किसका होगा? कौन बताएगा? नारियल के पत्ते, ठीक है, नारियल के पत्ते का, ठीक है। एक बार और बता, कौन बताएगा सारा उत्तर? इलेश राठवा बताइए, चार पांचों के पांचों का उत्तर फटाफट पढ़िए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले का पत्ता, बारिश में भीगते समय छाती की तरह केले का पत्ता, सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता, रंग बनाने के लिए टेसू का, टेसू के फूल का, हाँ टेसू के फूल का, और से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल का पत्ता। ठीक है, ओके, ठीक है, सब बच्चों ने लिख लिया? यस मैम, यस मैम। मुझे पता चल रहा है शैलेंद्र सिंह भुरिया क्लास में सिर्फ मस्ती करने के लिए आते हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह भुरिया, शैलेंद्र सिंह भुरिया, शैलेंद्र जी, आप क्लास में कुछ लिखा है आपने? कुछ नहीं लिखा, भैया से बैठ के बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्लास समाप्त करते हैं। अगला जो है, आप अगली बार कॉपी लेकर के बैठिएगा तो हम अगला कॉपी में दोबारा से करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, शांति पाठ करेंगे हम।
मैंने कर लिखा ये कौन मस्ती कर रहा था? मैं इलेश। बहुत गलत बात है ये।